कोरोना की महामारी में भी चीन ने अपनी दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाली दुकानदारी बंद नहीं की। हमारे देश के निहत्ते सिपाहियों पर वार कर चीन ने अपनी बुजदली का परिचय दिया है, अपनी हड़प नीति का विकृत चेहरा दिखाया है। पर शायद चीन हिंदुस्तान का इतिहास नहीं जानता। यहाँ कहा जाता है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। हिंदुस्तान का एक एक सिपाही 1.25 लाख के बराबर है। आज हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने साम्राज्यवादी चीन के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। आज हम जो हाथ जोड़ के नमन करते हैं, मत समझो कमजोर है हम। उठाओ कथाएं इतिहास की तो छाए हुए हर ओर हैं हम। आज विश्व जानता है हिंदुस्तान बुद्ध में तो जरूर विश्वास रखता है पर युद्ध से घबराता नहीं। आज इस तिरंगे की आन बान और शान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी देश की सरकार और देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी है। आज 135 करोड़ देशवासी इस देश की सेना के साथ खड़े हैं और तभी आज चीन की आंखों में गड़े हैं। तो चीन को हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी या बेड़ियां नहीं समझना चाहिए और जल्द से जल्द अपना बोरिया बस्तरा उठा हिंदुस्तान की सरोजमीन से सरद से चलते बनना चाहिए। जय हिंद।